इम्तियाज खान ने उठाए अली गोनी के बदले हुए बिहेवियर पर सवाल। इतनी इज्जत करता था ना मैं इस बंदे की, मेरा दिमाग फ्लिप हो गया इसको लेके। राहुल वैद्य के लिए अली ने ली एजाज खान से दुश्मनी। ये इतना फ्लिपर, इतना गंदा वाला, इतनी घटिया घटिया बात है, पूरा टाइम बिचिंग। बिग बॉस के घर में अपनी एंट्री के बाद धमाका करने वाले अली गोनी कुछ वक्त पहले एक शॉकिंग ट्विस्ट के चलते शो से एविक्ट हो गए थे, लेकिन एक बार फिर बिग बॉस के घर में पलटा सीन और अली गोनी ने बिग बॉस के घर में कर ली है री एंट्री। आते ही अली अपनी एंट्री से मचा रहे हैं घर में धमाल। जहां वो जैस्मिन भसीन से गले लगकर इमोशनल होते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ उनके अच्छे दोस्त रहे एजाज खान पर उन्होंने की टिप्पणी। इतना ही नहीं, उन्होंने जैस्मिन, रुबीना और अभिनव को ये भी बताया कि कैसे एजाज उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं और नहीं मानते उन्हें शो में रहने के लायक। अली ये बोलते भी सुनाई देते हैं कि अब वो एजाज को ठंडा करेंगे और ये भी कि अब वो नहीं करते हैं एजाज को पसंद। अली के इस बदले हुए बिहेवियर को देख एजाज काफी परेशान होते नजर आएंगे, जिसके बाद एजाज खुद जाकर करेंगे अली को कन्फ्रंट। जी हाँ, बिग बॉस के लाइव फीड में एक क्लिप सामने आई है जहाँ एजाज अली से उनके बिहेवियर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। एजाज अली से पूछते हैं कि आखिर क्या है वजह उनके इस बदले हुए बिहेवियर की, जिसका जवाब देते हुए अली एजाज से कहते हैं कि वो उनसे काफी प्यार करते थे, लेकिन बाहर जाने के बाद उन्होंने जब देखा कि कैसे एजाज राहुल वैद्य पर कस रहे हैं टिप्पणियां, तो उन्हें ये चीज नहीं पसंद आई। जी हाँ, अली ये कहती सुनाई दिए कि कैसे राहुल के बारे में जो एजाज ने टिप्पणियां की वो बाहर काफी चर्चा में आई। इतना ही नहीं, अली ये भी कहते हैं कि उन्होंने राहुल को टकला कहा और ये भी कहा कि उसके सर पर नहीं है बाल। अली की बातें सुन एजाज खुद को डिफेंड करते नजर आ रहे थे। क्या एजाज की ये पहल बदल पाएगी अली गोनी का मन? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।